वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 1. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन द पेज नंबर 4. ओके, आप सभी स्टूडेंट पेज नंबर 4 को ओपन कर लीजिए चैप्टर को पढ़ने से पहले. ठीक है, so as you can see that I just write some points and draw the pictures related to chapter number 1 to make you understand the chapter. देखो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखा है, पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है चैप्टर नंबर 1 का, ताकि आपको मैं समझा सकूँ चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से. इस पिक्चर की मैं पहले बात कर लेता हूँ कि क्यों मैंने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है. ठीक है, देखो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं. इस पर हम लोग ये टीवी स्क्रीन की तरह होता है और कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर का होता है ना, हम लोग इसी पर देखते हैं. ये हमारा कीबोर्ड है, इसे हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर के लिए. ये हमारा माउस है, क्या है, माउस है. इसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं. ये सीपीयू है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. और यही से क्या है, कंप्यूटर ऑन ऑफ भी होता है. और ये स्पीकर है, यहाँ से हम लोग क्या है, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं. तो ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्पीकर्स वगैरह, ये सब क्या है, कुछ मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के जो हम लोग को आगे जाने हैं हम लोग इसके बारे में. तो देखो सबसे पहला है, फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल. नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक, है ना. नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक. अगर सी नेचर ऑन इट्स ऑन, जो कुछ भी प्रकृति में हम लोग उससे प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं, यानी प्राकृतिक कहते हैं. ठीक है, और मैन मेड क्या है, मैन मेड बाई ह्यूमन बींग, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड. क्या कहते हैं, मैन मेड. ठीक है, अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सब नेचुरल बींग थिंग्स, कुछ नेचुरल थिंग्स का मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर. जैसे आप देखो फ्लावर देखो, मून, बटरफ्लाई, सन, काउ, ये सब क्या है, इन सबको गॉड ने बनवाए हैं, प्रकृति में हम लोग को प्राप्त होती है नेचुरल में, ये सब नेचुरल थिंग्स हो गया है ना. तो क्या मनुष्य ने फ्लावर, मून, बटरफ्लाई, सन या काउ किस चीज़ को बनाया है, नहीं. मनुष्य ने क्या बनाया है, सम मैन मेड थिंग्स क्या है, जैसे ट्रेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, बस हो गया, बुक्स हो गया, एरोप्लेन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये पेन हो गया. ठीक है, जो वॉच हो गया, शर्ट हो गया, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब क्या मनुष्य बनाया है. ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाए उसको हम लोग मैनमेड कहते हैं, जो हम लोग प्रकृति से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं. ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है. और एक जान लो, ए कंप्यूटर इज ए मशीन एंड मेन मैन मेड. कंप्यूटर भी एक प्रकार का मशीन ही है और मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मैन द्वारा बनाया गया है. सो वी शुड नो अबाउट मशीन फर्स्ट, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में, मशीन के बारे में पहले जानेंगे. ठीक है, पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिएगा सभी कोई. ऊपर देखिए, व्हाट इज अ मशीन, मशीन क्या है, यहाँ लिख दिया मैंने, मशीन आर नॉन लिविंग थिंग्स. मशीन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स यानी मैन मेड, जिसमें जो एनर्जी वो उसको क्या कहते हैं, मैन मेड है. ठीक है, दे हैव बीन डूइंग मेनी टास्क, मानी मशीन हम लोग को क्या है, बहुत सारे काम करने में हम लोग की मदद करता है. ठीक है, दे मेक आवर वर्क इजियर, फास्टर एंड बेटर, ये हमारे कामों को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत तेजी के साथ करके देता है और बहुत ही अच्छा कर देता है. द शेप आवर टाइम, मशीन क्या होता है, हमारे समय को बचाता भी है. मशीन वर्क एक्यूरेटली, और मशीन क्या एक्यूरेट वर्क करता है, अगर आप मशीन को सही इंस्ट्रक्शन दोगे ना तो ये सही रिजल्ट आप लोग देगा, अगर आप इंस्ट्रक्शन ही गलत दोगे तो रिजल्ट भी क्या है, गलत ही देगा. ठीक है, देखो मशीन क्या होता है, एक मैनुअल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है. तो मैनुअल क्या होता है, मैनुअल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है. मैनुअल मीन्स में आपको हाथ से या पैर से आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है. और जैसे कि आप देखिए, आप क्या है, मैनुअल में आपको बार बार गाड़ी चलाते हो तो ऐसे क्या, बाइक भी क्या एक मशीन ही है, तो गाड़ी चलाते एक्सीलरेटर लेना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है ना, किक अप एंड डाउन करना पड़ता है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या होता है, आप एक बार कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे दो तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या फॉलो करते रहता है. ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1 के बारे में पढ़ें. और एक लास्टली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यू नो,
चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ही वैसे इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कह सकते हो मॉडर्न कंप्यूटर का, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के हम लोग कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। और एक चीज आप लोगों को मैं और समझा दूं, कंप्यूटर का हिंदी आप लोगों को नहीं पता होगा, 100% नहीं पता होगा, ये जान लो कंप्यूटर की हिंदी को, ठीक है। हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज संगणक, ठीक है, ये बड़े बड़े बच्चे भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन आप लोगों के माइंड हमेशा रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेचुरल थिंग, मैनमेड थिंग हम जान गए, नेचुरल में नेचुरल थिंग्स क्या क्या होता है, मैनमेड थिंग्स क्या क्या होता है, मशीन के बारे में जाने, और ये भी जाने कि कंप्यूटर भी हमारा क्या है, एक मशीन ही है, ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी जाने। और थैंक यू।